Sorry. Am I audible and visible? एक बार बता दीजिए सभी लोग प्रॉपर है एवरीथिंग क्लियर फटाफट बताने की कोशिश करिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग एक बार बता दीजिए आवाज़ सबको प्रॉपर है तो देखिए हमने 2000 हज़ार uh, टू का पेपर सॉल्व करा दिया था आप लोग लगातार बोल रहे थे कि मैम दो जो है क्या कहते हैं इसका भी पेपर सॉल्व करा दीजिए इक्कीस आज एक सौ अस्सी ठीक है कोशिश करते हैं कि आज इसको क्लियर कर दें आप लोग एक बार बता दीजिए सभी को आवाज़ प्रॉपर है कोई प्रॉब्लम जल्दी से आ जाइए सभी लोग भाई फटाफट आने की कोशिश करिए अनिल कुमार मैम एग्जाम आने ये सब रिवीजन ही तो चल रहा है अनिल कुमार रुचि सिंह दीप सनी विश्वकर्मा अरे वाह रोहन कैसे हैं रोहन आशीष कैसे हैं आप लोग कैसे हैं आप लोग चलिए बहुत अच्छी बात है आप लोग बढ़िया हैं सभी लोग बढ़िया हैं तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग और देखिए कितना आसान सा पेपर है पढ़ने के बाद सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी जैसा कि आप लोग जानते हो कि सब्जेक्ट से 200 सौ क्वेश्चन हैं और जिसमें कि 20 आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं बाकी 180 सौ अस्सी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से हैं आप सभी को पता है कि आपके संस्था में एनसीआर टी बायो बैच टू के नाम से रन कर रहा है बहुत ही बेहतरीन बैच है रिविजन के लिए जो लोग बिहार एस्टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो लोग डी ट्रिपल एस बी के रिवीजन चाहते हैं हम बार बार डी ट्रिपल एस बी के लिए आप लोगों को या तो ओल्ड सुप्रीम बैच ज्वाइन करिए या रेंकर बैच ज्वाइन करिए ठीक है, है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा एन सी आर टी से बाहर के भी हैं अभी आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा तो बिहार एस्टेट के लिए आप डेली लाइव कोई संडे नहीं कोई मंडे नहीं कोई छुट्टी नहीं क्योंकि मार्च में एग्जाम होने वाला है इसलिए हम डेली रेगुलर ये क्लास चल रही है प्रतिदिन सेवन डेज़ ये क्लास चलती है वीक में और दो घंटे से ढाई घंटे की क्लास चलती है इसमें आपका बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन हो पाएगा तो अगर आप में से कोई भी इसको परचेज़ करना चाहते हैं बिहार स्टेट के लिए या किसी भी तरीके के रिवीजन के लिए या डेली जुड़े रहने के लिए तो ये बैच आप परचेज़ कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं ट्रिपल एट सेवन वन नाइन सेवन टू नाइन वन पे ठीक है इसके बाद बात करें कि आपके बी पी एस सी ट्री थ्री पॉइंट ओ के लिए अगर आप लेना चाहते हैं थ्री फेज़ थ्री के लिए तो बैच अवेलेबल है जोलॉजी के लिए लेना चाहते हैं तो बैच अवेलेबल है हेल्पलाइन okay. नंबर जो दिया हुआ है नीचे आप उस पर कॉल कर सकते हैं और uh, आप एल टी और जी आई सी के लिए जो भी लोग एल टी और जे आई सी के लिए परचेज़ करना चाहते हैं वो न्यू सुप्रीम बैच ज्वाइन कर सकते हैं सुप्रीम टू पॉइंट ओ के नाम से है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसकी फ़ी है डेली लाइव टेन एम सुबह दस बजे इसकी क्लास चलती है ड्यूरेशन आपका पंद्रह महीने के लिए है ठीक है और एल और जे के लिए बहुत ज़्यादा सिलेबस अभी इसमें नहीं हुआ है ये न्यू बैच ही है समझिए तो आप सभी में से अगर किसी को आर आप अगर किसी को एल टी एकदम बढ़िया से प्रपेशन करनी है तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं <coughs> ठीक है सभी को गुड इवनिंग सभी लोग आ जाइए ज्वाइन करिए और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और इस क्लास में हम लोग देखते हैं डी ट्रिपल एच बी के सारे कैसे हैं आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे सारे सवाल को देख लीजिए सबसे पहली पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुक सिस्टमा नेचुरी एसोसिएटेड विद सिस्टमा नेचुरी किसकी बुक है <coughs> या किससे एसोसिएटेड है नेचुरल सेलेक्शन से क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरा से क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से ह्यूमन बॉडी मैकेनिज्म से तो आप सभी को पता है कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड है और ये किसकी किसकी क्रिएशन है सिस्टमा सिस्टमानैचुरी जल्दी से बता दीजिए सिस्टमा नेचुरी किसकी क्रिएशन है फटाफट बताने की कोशिश करिए मैम प्लीज़ टाइम टेबल के बारे में बता दीजिए निधि पांडे कैसा टाइम टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से रिलेटेड है सिस्टमा नेचुरी लीनियस की क्रिएशन है वेरी गुड किसकी क्रिएशन है लीनियस का क्रिएशन ठीक नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला अगला सवाल देखते हैं आई सी बी एन आई सी बी एन क्या है आई सी बी एन मेक्स द रूल फॉर नॉमन क्लेचर हियर आई सी बी एन क्या है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमन क्लेचर यही है ना आईसी क्या होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमन क्लेचर और आईसी क्या है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमन क्लेचर नंबर बहुत कम है आप लोगों के लाइव नंबर्स देखिए ध्यान से फिर अगला सवाल यहाँ पे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग है ना दिस पार्ट ऑफ प्लांट बियर बोथ द नोड एंड इंटरनोड तो पहले आपको पता है नोड और इंटरनोड कहाँ होता है स्टेम के पास होता है, है ना तो ये बात तो स्टेम की हो गई दिस इज जनरली ग्रीन वेन यंग बट चेंजेज द कलर लेटर तो ये किसका फीचर है ये स्टेम का फीचर है तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए स्टेम आना चाहिए ये किसका फीचर है भाई स्टेम का फीचर है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए स्टेम आना चाहिए तो यहाँ पे, तो पे आप क्या लिख सकते हैं दैट इज वॉट द स्टेम सोलेनम ट्यूबरोसम इज द साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरेसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम है नो डाउट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लार इज जाइगोमार्फिक जायगो मार्फिक फ्लार आपको पता है जायगो मार्फिक हमने आपको बताया था कैसिया और गुलमोहर है न कैसिया गुलमोहर तो हमने कहा था कैसिया गुलमोहर इनमें जाइगो मार्फिक फ्लार हैं तो देखो चिली मस्टर्ड धतूरा ये सब तो एक्टिनो मार्फिक है और गुलमोहर यहाँ पे आपका जाइगो मार्फिक हो गया गुलमोहर क्या हो गया जाइगो मार्फिक हो गया वी कैन ईट रूट ऑफ मेनी प्लांट प्लांट विद एडिबल रूट एडिबल रूट क्या है एडिबल रूट पोटैटो तो भाई स्टेम का मॉडिफिकेशन है व्हीट का एडिबल रूट नहीं होता मैंगो में नहीं होता स्वीट पोटैटो स्वीट पोटैटो आप कह सकते हो ये रूट का है। स्वीट पोटैटो डिबल रूट का मॉडिफिकेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओबेलिया इज टर्म एज ओबेलिया का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाज कहते हैं नो डाउट टू में सेकेंड वाला सही है टू में सेकेंड वाला सही है क्या आप बोल रहे हैं आप टू में सेकेंड सही है इंटरनेशनल कमिटी अरे भाई इतना ब्लंडर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेल ठीक कमेटी नहीं होता है नेक्स्ट आते अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ फैमिलीज को किसके बेसिस पे आप कैरेक्टराइज करते हो फैमिलीज को किसके बेसिस पे कैरेक्टराइज करते हो वेजिटेटिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट दोनों ही हम लोग भाई हम लोग फैमिली कैरेक्टराइज़ करते हैं तो वेजिटेटिव फीचर वेजिटेटिव फीचर में वे हम क्या लिखते हैं लीफ हो गया स्टेम हो गया ये सारी चीजें फिर हम लोग उसको रिप्रोडक्टिव फीचर मतलब एंड्रीसियम गाइनीशियम और करोला कैलिक्स के बेसिस पे भी करते हैं तो आप कह सकते हैं बोथ वन एंड टू बोथ वन एंड टू आएगा यहाँ पे क्या आएगा रिप्रोडक्शनिज्म कैन प्रोड्यूसर रिप्रोडक्शन क्या फैमिली के मेंबर के बीच क्या ऑर्डर के मेंबर के बीच क्या स्पीसीज के बीच रिप्रोडक्शन होता है किसके बीच रिप्रोडक्शन स्पीसीज के बीच होता है रिप्रोडक्शन किसके बीच होता है स्पीसीज के बीच होता है पिथ इज एनाटोमिकल पार्ट ऑफ प्लांट पिथ का मतलब जो मेड्यूला होता है पिथ आर मेड्यूला और आपको बार बार बताया है कितनी बार लिखाया है पिथ वेल डेवलप्ड कहाँ होता है पिथ वेल डेवलप्ड डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट उल्टा पढ़ने को बताया था पिथ वेल डेवलप्ड कहाँ होता है डाइकॉट स्टेम में और मोनोकॉट रूट में तो मोनोकॉट रूट डाइकॉट रूट में नहीं मोनोकॉट रूट मोनोकॉट स्टेम में तो स्कैटर्ड होता है डाइकॉट ये हो गया मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम कहा वेल डेवलप्ड होता है बार बार बताया है डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट उल्टा पढ़ने को बताया <coughs> सनी विश्वकर्मा दस का सी आप कैसे गलत बता सकते हो हाउ इज इट पॉसिबल डाइकॉट स्टेम में रिंग अरेंजमेंट ऑफ वर्स्कुलर बंडल पाया जाता है तो पिथ तो वेल well डेवलप्ड है ना अगर डाइकॉट स्टेम में पिथ वेल डेवलप्ड मोनोकॉट स्टेम में पिथ है ही कहा भाई मोनोकॉथ स्टेम में पिथ तो है ही नहीं स्केटर्ड वस्कुलर बंडल है वहां पे तो कैसे गलत कर सकते हो आप ये बताओ एक छोटी सी गलती आपको फिर पीछे ढकेल देगी डज नॉट रिप्रोड्यूस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता रुचि चौरसिया मैम जी थैंक यू सो मच इतने अच्छे से एलगी फंजाई ब्रायो टेरिडो जिम्नो इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए डर लगता था इन सब से भाग गया बस थोड़ी सी मेहनत है याद करने में इतनी तो बनती रुचि थैंक यू सो मच चलिए बहुत अच्छी बात है बढ़िया आप लोग ऑफ द फॉलोइंग इज पोटैटो फैमिली पोटैटो फैमिली किसको कहते हैं सोलेनेसी को कहा जाता है पोटैटो फैमिली किसको कहा जाता है सोलेनेसी को कहा जाता है नेक्स्ट देख लेते हैज अ फॉर्मलाइज्ड बायोनोमिनल नॉमन किसने दिया था कैरोलस लीनियस दिया था बायोनॉमल नॉमन क्लेचर दिया था कैरोलस लीनियस ने दिया था है ना गेमिंग बड़ी मैम आपका कोर्स बहुत महंगा है प्लीज डिस्काउंट कर दे। अरे भाई साहब किस दुनिया में है आप महंगा कोर्स है क्या बात कर रहे हो विच प्लांट इज सीन ग्रोइंग ऑन स्वैम्पी एरिया विद मेनी रूट्स कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड स्वयंपी एरिया मार्शी एरिया में हमने आपको बताया है रूट्स बाहर निकल आते हैं रूट्स बाहर न्यूमेटोफोर्स कहते हैं राइजोफोरा मैनग्रूव प्लांट्स का फीचर है ये किसका मैनग्रूवस प्लांट का फीचर है हाँ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं निधि पांडे क्वेश्चन देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा क्वेश्चन देखने के बाद दिल खुश हो जाएगा आपको लगेगा यार कितना आसान सा पेपर है सबको बता रहे हैं जिन लोगों ने थोड़ा बहुत अच्छे से मेहनत करी है उसको बहुत अच्छा लगने वाला है पेपर बहुत इजी पेपर एक तरीके से आप कह सकते हो ठीक है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट देखो एक्चुअली क्या था ना जिस पीडीएफ से टाइपिस्ट ने टाइप किया था तो उसमें थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा था तो इन्होंने कहीं कहीं गलती कर दी है आप लोग समझ जाइएगा

Uh, मैम मुझे आपसे कॉल पर बात करनी है बैच लेना है कैसे बात हो सकती है कॉल पे बात करनी है बैच लेना है तो बैच ले लीजिए कोई दया जीनियस ट्यूटोरियल फॉर साइंस प्रॉब्लम क्या हो गया भाई आपको कौन सी प्रॉब्लम है बताइए दया जी देखिए दया जी अब हम आपकी बात समझ गए दया जी हम आपकी बात समझ गए हंड्रेड परसेंट समझ गए कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमन लिए चलता है लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन तो नहीं है ना वहाँ पे एन में ऑफ दिया है तो हमारे पास और कोई चीज़ तो नहीं है ना वो ऑप्शन जहाँ पे था एक सेकेंड दया जी कुछ तो गड़बड़ है देख लेते हैं आप कहाँ फंसे हुए हैं भाई अब हमारे पास एक ही तो है ना इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर बोटेनिकल नॉमन ठीक है यही तो है क्या करें कमिटी थोड़े करेंगे इसको कमिटी थोड़े करेंगे बायोलॉजिकल थोड़े करेंगे परेशान कर दे रहे हैं आप तो चलिए कहाँ पे आए थे हम लोग पोटैटो फैमिली हो गया था बायोनॉमल नोम क्लेचर किसने दिया था कैरोलस लीनियस अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ये आपका मैनग्रुप प्लांट है तो राइजोफोरा हो गया चलिए मोनोकॉट हो गया था चलिए हु हैजर ऑफ द बुक एनाटॉमी ऑफ द सीडेड प्लांट बार बार बताया एनाटॉमी ऑफ द सीडेड प्लांट ई कसाउ केथराइन कसाउसाऊ सॉरी केथराइन ईसाऊ के ईसाऊ बार बार पढ़ाया है आपको ये आपको उसमें दिया हुआ भी है कहाँ पे जानते हैं डी ट्रिपल एस बी की एक खास बात हमने पेपर देखने के बाद ऑब्जर्व करी है हम आपको बताएंगे भी जो साइंटिस्ट के सारे नाम है ना चैप्टर के पहले उससे सवाल रामाचंद्रन का पूछा है देखिए के ईसाऊ का पूछा है ये आपको एनाटॉमी से पहले जो पहला पेज है उसी पे इनका वर्णन दिया है ये फीमेल थी नाइनटी नाइन ईयर ये जिंदा थी हमने बताया था ये लेडी साइंटिस्ट थी ये लेडी साइंटिस्ट थी ठीक है हमने हमने ये चीज देखा इस पेपर को देखने के बाद एन सी आर टी की लाइन uh, भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मेस्ड गाइनीसियम कम्पोज ऑफ स्टेमेन यही गलत है गाइनीसियम तो कार्पल से बना होता है कैलिक्स आउटर मोस्ट है करोला ब्राइट कलर है प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी सही है तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया देर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस विच डील विद द आइडेंटिफिकेशन नॉमन क्लेचर एंड क्लासिफिकेशन जहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करते हैं नॉमन करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं इसको टेक्सोनोमी के नाम से जाना जाता है द द रीज़न ऑफ स्टेम स्टेम फ्रॉम वेयर लीव्स बॉर्न के किस रीजन से निकलता है नोड से निकलता है अगला सवालोइंग वेन द इनसीजन ऑफ द लेमिना रीच ऑफ द मिड रिप ब्रेकिंग इन टू नंबर ऑफ लीफ लेट दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीव बिल्कुल सही है कि नहीं हमने कहा था इन सीजन मतलब या तो लीफ एंटायर हो कहीं से कटी फटी ना हो इसको सिंपल लीफ कहते हैं या तो लीफ में इन सीजन हो लेकिन इन सीजन मिड रिप को टच नहीं करता हो ठीक है इन सीजन मिड रिप को टच नहीं करता हो तो भी ये सिंपल लीफ है लेकिन अगर इन सीजन मिड रिप को टच करना शुरू कर दिया तो बहुत सारे लीफलेट बन जाएंगे और जब बहुत सारे लीफलेट बन जाएंगे तो जो मिड वेन है वो आपकी रैकिस बन जाएगी रैकिस और ये आपका कंपाउंड लीफ हो जाएगा कंपाउंड में हमने आपको बताया था पिनेटली कंपाउंड नीम है पामेटली कंपाउंड सिल्क कॉटन है है ना फिल्लो टैक्सी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑन द लीफ एंड ब्रांचेस ये भी सही है तो क्या सही क्या गलत है नीदर वन आर नॉर पूछा है क्या गलत है देखो ना सब यहाँ ए आंसर दे रहे हैं पूछा है क्या गलत है प्लैनेट अर्थ आप हेल्पलाइन पे बात कर लीजिए हेल्पलाइन पे बात कर लीजिए जो भी होगा वो आपको बता देंगे ठीक नीदर वन नॉर टू ट्रिपल एट सेवन वन ट्रिपल एट सेवन वन नाइन सेवन टू नाइन वन पे बात कर लीजिए ठीक क्या गलत है पूछा ग्रेविड पता है टीनिया में प्रो, प्रोग्लॉटिड होता है तो फुल्ली डेवलप मेल नहीं होता अंडर डेवलप फीमेल नहीं होता, uterus, जो ग्रेविट होता है फर्टिलाइज एक है ना ब्रांज यूटरस फील्ड विदर्टीलाइज एक विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइड सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेनेशन ऑफ होस्ट भी हो रहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है और अल्टरनेशन ऑफ होस्ट है फेस्यूला में भी अल्टरनेशन ऑफ होस्ट होता है टीनिया में भी अल्टरनेशन ऑफ होस्ट होता है तो यहाँ बोथ वन एंड टू हो जाएगा है ना नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज द प्रोसेस वेयर द माइक्रोस्पोर फॉर्म फ्रॉम अ पॉलिन मदर सेल पॉलिन मदर सेल माइक्रोस्पोर पॉलिन मदर सेल से बनने वाली प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं है ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ विच डिस्क्राइब अब क्वाटरनरी प्रोटीन बार बार पढ़ाया है आपको कि दो अल्फा चेन और दो सिमिलर बीटा चेन है तो टेट्रामर ऑफ फोर डिफरेंट नहीं टेट्रामर ऑफ टू डिफरेंट टेट्रामर ऑफ टू डिफरेंट सब यूनिट ये टेट्रामर है दो अल्फा दो बीटा तो टेट्रामर ऑफ टू डिफरेंट सब यूनिट्स टेट्रामर ऑफ टू डिफरेंट सब यूनिट्स नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉल्फिन नहीं टपीडो टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है टारपीडो है क्या कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश, ठीक अगला सवाल सिंथेसिस ऑफ एम आर एन एंड डीएनए बाई डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शनल हमेशा डी एन ए पे जो एम आर एन ए बन रहा है डी एन ए पे जो एम आर एन ए बन रहा है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल फाइव टू थ्री डायरेक्शन में बनता है थ्री टू फाइव वाले से बनता है थ्री टू फाइव जिसको हम टेम्पलेट एंटीसेंस या नेगेटिव स्ट्रेंड के नाम से जानते हैं तो ये बाई डायरेक्शनल यूनि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप ऑफ जीन टू कंट्रोल सिंथेसिसन जीन वन एनजाइम किसने दिया था वन जीन वन एनजाइम हाइपेसिस दिया था वर्क ऑफ देखो जॉनसन एडवर्ड तो दिया नहीं था बेटसन एडवर्ड दिया नहीं था मॉर्गन ने दिया बीडल एंड टॉटम ने दिया था मोल्ड न्यूरोस्पुरा क्रेसा पे बार बार पढ़ाते हैं बीडल एंड टॉटम ने दिया था न्यूरोस्पोरा क्रेसा ठीक है ये रेड मोल्ड या पिंक मोल्ड कहा जाता है 1930 में तो वन जीन वन एंजाइम हाइपथेसिस किसने दिया था बीडल एंड टॉटम ने दिया था किसने दिया था बीडल एंड कॉल नॉट रिसीव्ड बाद में कर लीजिएगा कल दोपहर में कर लीजिएगा ठीक है लैक्टोज इज सबस्ट्रेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट

एफ ओन एफ टू को किससे समझा जा सकता है पुनेट स्क्वास पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड बताया हमने आपको पुनेट डायग्राम से या चेकर बोर्ड जिसको कहते ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव आर एन ए प्राइमर फ्रॉम लैगिंग प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी किसके पास होती है बार बार पढ़ाया है प्राइमर रिमूवल प्राइमर रिमूवल कौन करता है डी एन ए पॉल वन करता है डी एन ए पॉल वन करता है डीएनए पॉल ए को कोर्नबर्ग एंजाइम भी कहा जाता है ये बार बार सवाल पूछा जाता है इसलिए आप सबको ये पता होना चाहिए तो प्राइमर रिमूवल कौन करता है डीएनए पॉल वन करता है अब दिया है कंसीडर द फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन टाइप ऑफ एंटीबॉडी सबसे ज्यादा पाया जाता है मोस्ट अबंडेंट अब जैसे ही आपको बोल दिया कि ब्लड में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी पाया जाता है तो आपको हमने गम दे से बताया यह है गम दे मतलब सबसे ज्यादा जी आई फिर आई फिर आई फिर डी फिर ई और अगर मोलिकुलर वेट पूछा जाता है ये कंसेंट्रेशन है YGG हो गया पूछा जाता है, तो माई डी जी माई डी जी सबसे ज्यादा फिर 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 E फिर D, फिर G. ये दो ट्रिक बताया है नंदनी कटारे अभी तो चंडीगढ़ टी जी टी साइंस का तो हमें सिलेबस भी नहीं पता है भेजिएगा बताते हैं है ना वॉट टर्म इज यूज फॉर नेफ्रीडिया विच डिस्चार्ज यूटी प्रोडक्ट इन टू द ल्यूमन ऑफ गट ऐसे नेफ्रीडिया जो गट के अंदर डिस्चार्ज करते हैं एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिक नेफ्रीडिया कहते हैं एंटेरोनेफ्रिक में हमने आपको बताया था अर्थवॉम का फेरेंजियल भी है और सेप्टल भी है फेरेंजियल भी है और सेप्टल भी है फेरेंजियल किस में होता है चार पाँच छः में होता है सेप्टल फिफ्टींथ ऑनवर्ड होता है फिफ्टींथ ऑनवर्ड केवल जो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है

जो उनके खोपड़ी पे होल बना होता है ब्लू होल तो ब्लू वेल जो है वो ब्लू होल से रेस्पायर करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉर्जन टॉर्जन किस क्लास में होता है आ, आप कह सकते हो मुलास्का का सबसे लार्जेस्ट क्लास है गैस्ट्रोपोडा जिसमें पाइला पाया जाता है सबसे लार्जेस्ट क्लास होता है गैस्ट्रापोडो गैस्ट्रोपोडा गैस्ट्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मॉक टेस्ट मन कितना सेफ स्कोर होता है मैम पीडीटी बायो में मॉक टेस्ट में डिपेंड करता है कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल कार्टिलेजिनस फिश फ्रॉग और क्रोकोडाइल फिश है ये ये फ्रॉग एम्फीवियन है और क्रोकोडाइल आपका जो है रेप्टाइल है पूछ रहा है कि हर्ट में आरिकल सिंगल चैम्बर वाला आरिकल किसमें देखने मिलता है तो फ्रॉग में एक इसमें एक आरिकल एक वेंट्रिकल इसमें दो आरिकल एक वेंट्रिकल इसमें दो आरिकल इस दो वेंट्रिकल तो इन दोनों में तो नहीं होगा केवल फिस में एक आरिकल पाया जाता है फिस के हार्ट में केवल सिंगल आरिकल होता है ये सवाल पूछा है कि किस में सिंगल आरिकल पाया जाता है केवल फिस में केवल फिस में सिंगल आरिकल बाकी तो एम्फीबियन में दो है पंकज जी मैम जी आपको पेपर सेंड किस चीज का पेपर पंकज किस चीज का पेपर पेपर सेंड करना है आप किसी हेल्पलाइन पे, पे पेपर सेंड कर दीजिए ठीक हाउ मेनी ऑसिपिटल कॉन्डाइल शुड बी देयर इन द स्नेक स्नेक क्या है रेप्टाइल रेप्टाइल और बर्ड में रेप्टाइल और बर्ड में वन ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है और मैमल uh, और एम्फिवियन uh, में बार बार बताया मैमल और एम्फीबियन में टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है तो क्या पूछा है स्नेक पूछा है स्नेक में रेप्टाइल में वन हो जाएगा नेक्स्ट द जॉलेस वर्टिब्रेट एक गैथा के नाम से जानते हैं नेक्स्ट द फैक्टर आर जीन ऑन क्रोमोसोम रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इसको अलील कहते हैं। जीन या क्रोमोसोम पे जो फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कैरेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं इसको अलील कहा जाता है इसको अलील कहा जाता है मैम पीजीटी बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें किसके पीजीटी बायो मतलब पूरा लिखा करें यूपी टी एसटी पी एसटी डीएसटी ट्रिपल एसबी पीजीटी Uh, कहाँ के पीजीटी बायो का थोड़ा सा बता दीजिए तो हम आपको गाइड कर देंगे देखिए समय कम होता है हाँ समय कम होता है इसलिए थोड़ा सा आप लोग ऐसा चीज लिखा कर मेरा ध्यान जाए तो एक बार में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेना मिनो वे आर डिफरेंट जीन इंटरेक्ट विच ईच अदर इन वे इन्फ्लुएंस द फिनोटाइप डिफरेंट जीन इंटरैक्ट करते हैं एक साथ विद ईच अदर इन अ वे दैट इन्फ्लुएंस द फिनो टाइप इसको प्लियोट्रॉपी कीन डी ट्रिपल एस बी पी जी टी बायो चलिए बताते डी ट्रिपल एस बी के लिए भी बताते हैं थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखिए और बताते हैं आप पहले पहली बात तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको सही है लेकिन इसके पहले आप जो थोड़ा सा जो है ना आप आ, पढ़ना भी आपको बहुत जरूरी है डिफरेंट जीन पूछ दिया है ना डिफरेंट जीन ईपी स्टेटिस अरे भाई प्लियो सिंगल जीन की बात कर रहा है भी सिंगल जीन की बात करता है इनकम्प्लीट और सिंगल जीन की दो अलील डिफरेंट जीन एक से ज्यादा अलील तो ईपी स्टेसिस होगा एक ऐसे होगा तसु अंसारी कुमकुम -कुम, दुबे अंचल त्रिपाठी और अशोक चौहान प्लियोट्रॉपी का मतलब एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट डिफरेंट जीन दिया है क्या आपको हमने एलेलिक और नॉन इंट इंटरेक्शन नहीं पढ़ाया है इंटरजेनिक और इंट्राजेनिक इंटरेक्शन नहीं पड़ा है इंट्राजेनिक मतलब विद इन सेम जीन और इंटरजेनिक मतलब दो एक से ज्यादा जीन है तो ईपीटिस इंटरजेनिक में आएगा ना हे भगवान ये बार बार मुझे वही रील याद आता है हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद ये क्या हुआ है ना मतलब थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा वो डिफरेंट जीन कह रहा है फिर भी इतनी जल्दबाजी है रेस लगी हुई है पी तो मिलेगा ही आपके उसमें मिल जाएगा रेस लगी हुई है कि थोड़ा बहुत सोच रहा नहीं सब ए ए, ए, ए। डिफरेंट जीन पूछा है मतलब एक से ज्यादा जीन आपका नॉन एलेलिक इंटरेक्शन या इंटरजेनिक इंटरेक्शन ई पी कॉम्प्लीमेंट्री जीन सप्लीमेंट्री जीन पॉलीमेरिक जीन डुप्लीकेट जीन पॉली ये सब पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? है ना चलो ठीक है नेक्स्ट आते हैं एक्ट ऑन द टोपो आइसोमरेज लीड्स टू चेंज इन जब टोपो आइसोमरेज एक्ट करता है तो लिंकिंग 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 नंबर 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 ऑफ सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए चेंज हो अब ये linking number थोड़ा सा डिटेल चीज है समझने में गलती होगी हाँ जब टोपो एसोमरेज एक्ट करता है तो वो इसको डीएनए के स्ट्रैंड को कट करता है तो लिंकिंग नंबर चेंज हो जाता है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए का ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं द टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग थोड़ा एक सेकंड टेस्टोस्टरॉन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टर प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ द टेस्टिस इसको क्या कहते हैं लेडिक सेल्स या इंटर इंटरस्टिशियल सेल के नाम से जानते हैं इंटर इंटरस्टिशियल सेल के नाम से जानते हैं पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल मीजरिंग अबाउट ये जब हम पॉलन ग्रेन आपको पढ़ा रहे थे तो एन में ये डेटा दिया हुआ है कि नहीं पॉलन ग्रेन एन में ये डेटा दिया हुआ है ना अरे भाई माइक ऑफ करा था हमने 20 से 50 माइक्रोमीटर 20 से 50 माइक्रोमीटर्स पॉलन ग्रेन का पॉलन ग्रेन का जो डायमीटर है एनसीआरटी में दिया भी है 20 से 50 माइक्रोमीटर सेल्स फाउंड इन द कोरोइड प्लेक्सिस दैट सिक्रीट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड हमने आपको बताया था ये कौन प्रोड्यूस करता है एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस और पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सिस है ना और इसको प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स होती हैं उनको हम इपेन सेल्स कहते हैं हमने ये भी बताया था इपेडाइमल सेल्स वेंट्रिकल की लाइनिंग बनाती हैं जो ब्रेन में वेंट्रिकल है उनकी लाइनिंग बनाती हैं तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड विच इज द रिलीज ऑफ सेकेंडरी फ्रॉम द ओवरी ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन को कहा जाता है ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ सेकेंडरी यूसाइड फ्रॉम द ओवरी है ना मैम आपका चैंपियन बैच लिया हुआ है क्या उससे पीजीटी ट्रिपल एसबी की तैयारी बिल्कुल हो जाएगी मनी मोनिका जाएगी क्यों नहीं होगी हंड्रेड परसेंट होगी नर्व इम्पल्स आर कैरीड फ्रॉम आई टू द ब्रेन हमारे आँख से हमारे ऑसिपिटल लो विजुअल एरिया तक जो नर्व जाती है उसको हम क्या कहते हैं ऑप्टिक नर्व के नाम से जानते हैं ऑप्टिक नर्व आपकी सेकेंड क्रैनियल नर्व होती है जो कि सेंसरी होती है 128 बताया है सेंसरी होता है पसंद 5, 7, 9, 10 बताया है आपका जो है ये मिक्स्ड होता है बाकी सब मोटर होते हैं ठीक है तो आपकी आई से आपके ब्रेन तक ब्रेन के किस एरिया तक ये इंपल्स कैरी करता है ऑसिपिटल लोब में विजुअल एरिया है वहां तक जाता है नेक्स्ट देख लेते हैं जीन इन द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट कंट्रोल ए स्पेसिफिक ट्रेट एंड मे ऑल्सो बी एक्सप्रेसड इन अल्टरनेटिव फॉर्म जीन अगर जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को एलील्स कहा जाता है क्या मेंडल प्रपोज टू जनरल रूल ठीक है अंडरस्टैंडिंग द इनहेरिटेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है तो वन एंड टू हो जाएगा ठीक है जबकि आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट डाईहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है बताया है कि नहीं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पे बेस्ड है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है तो यहाँ पे वन एंड टू विच पार्ट ऑफ द ग्रेन कंटेन इस पोरोपोलनिन इस कहाँ होता है एग्जाइन एग्जाइन किसका बना होता है इस का ये सबसे हार्डेस्ट सब्स्टेंस uh, होता है आप कह सकते हैं पूरा हार्डेस्ट मटेरियल है जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड नहीं होता ऑक्सीटोसिन सिक्रीटेड बाय एडिनो एंटीरियर पिट्यूटरी जो ना गलत है न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है बनता तो हाइपोथैलमस में है लेकिन रिलीज कहाँ से होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी सेल्स ऑफ द टैपिटम टैपिटम जिसको हम मेजर नर्स सेल कहते हैं उसकी सेल कैसी होती है ये पॉलीप्लॉयडी शो करती है हमने बताया आपको पॉलीप्लॉयडी तो मोर देन मोर देन वन न्यूक्लियस होता है यहाँ पे एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है ठीक जनरली है

सब कुछ पढ़ा है आज अगर आप 180 क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि 180 क्वेश्चन में से शायद एक 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 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि वो हमने शायद नहीं बताया है बाकी आप आप खुद चेक करना कि देखिए कितना क्वेश्चन आप कर सकते हो एंट्रम अरे यार ये क्या लिखा है ये एन एंट्रम 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 मतलब फ्लूड फील्ड कैविटी है ना फ्लूड चलिए अभी अभी देख लीजिए जो पीडीएफ हम बनवाएंगे वहां पे ये सब सही कर देंगे फ्लूड फिल्ड कैविटी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टर्सरी फॉलिकल का टर्सरी फॉलिकल यहाँ दिया नहीं है प्राइमरी दिया है सेकेंडरी दिया है तो प्राइमरी सेकेंडरी तो होगा नहीं टर्सरी से फिर ग्रेफियन फॉलिकल बनता है ग्रेफियन फॉलिकल है ना तो एंट्रम जो फ्लूड फिल्ड कैविटी है वो ग्रेफियन फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अ न्यूरॉन विद मेनी शॉर्ट डेंड्राइट मतलब छोटे छोटे डेंड्राइट्स हैं एंड वन एग्जॉन सिंगल एग्जॉन इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन बताया था यूनिपोलर यूनिपोलर कहाँ होता है ए पोलर कहाँ होता है ठीक है ए पोलर एमेक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना में होता है पोलर रॉड एंड कोन सेल्स ऑफ रेटिना में होता है सीडो यूनिपोलर डी में होता है डॉर्सल रूट ऑफ गैंगलियन यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है मल्टीपोलर मोस्ट कॉमन होता है सब पढ़ाया है नेक्स्ट देखिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज मेगा नेक्स्ट देखते हैं विदाउट एसोसिएशन ट्रांजिएंटली विद इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा एंड टर्मिनेशन फैक्टर रो है ना द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग विच फंक्शन आपको हमने बताया है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसक्रिप्शन में तीन प्रोसेस है इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन हमने कहा था इनिशिएशन सिग्मा इलोंगेशन रो आरएनए पॉलीमरेज अकेला केवल इलोंगेशन करता है आरएनए पॉलीमरेज अके, अकेला केवल क्या करता है इलोंगेशन करता है तो ओनली टू हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं आरएनए पॉलीमरेज अकेला केवल मैम मेरा नमस्ते लो अरे यादवी चौधरी ले लिया नमस्ते आपका ठीक है ले लिया बिल्कुल है ना केवल क्या करता है केवल आपका आरएनए पॉलीमरेज लिखा है विदाउट एसोसिएशन ना वो सिग्मा फैक्टर से एसोसिएट हुआ ना रो फैक्टर से तो अकेला तो ये बस इलाशन करेगा ना सब कुछ और ऐसे ही चार्ट बना के लिखवाया है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडल ड्रॉप इन एचसीजी एचसीजी बिगिंस टू प्रोड्यूस फोर मंथ आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय कार्पस ल्यूटियम प्रेजेंट ओनली प्रोड्यूस्ड सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब मैम एचपीएससी मेंस पीजीटी का एग्जाम कोर्ट केस में फंस गया है रिजर्वेशन को लेके हैज का कैंसिल कर दिया मे बी सभी को कैंसिल टोटली ब्रोकन सम अरे यार मतलब क्या ही बोलें अब इसके लिए इतना गुस्सा आता है ना हमको इतना ज्यादा गुस्सा होता है ये सब मतलब एकदम बेवकूफी की हद है जिसको कहते हो कि बेवकूफी की हद है इन लोगों को एक एग्जाम कराने में सदियों लग जाता है और एक एग्जाम में ना इनका कुछ भी फिक्स रहता है कि क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है सब कुछ क्लियर करके एग्जाम नहीं करा सकते और जो स्टूडेंट दस साल से प्रिपरेशन कर रहा है फिर वो क्या करेगा ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए शर्म आप एजुकेशन मिनिस्टर किस लिए हो आप किस लिए ये सारी चीजें कर रहे हो आपके पास इतना सा भी जो है ना आप कह सकते हो दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है कि एक एग्जाम एक कराते हो और उस एग्जाम में कहीं कोर्ट केस में फंस गया तो कहीं रिजल्ट फंस गया तो कहीं पेपर आउट हो गया एक कायदे का काम नहीं करा पाना है और आप लोग बनते हो बहुत ज्यादा वो बड़े बहुत कुछ कहने का मन करता है लेकिन बस वही है कि क्या किया जा सकता है अरे नहीं डिप्रेशन इतना जल्दी इतना आसान नहीं होता है डिप्रेशन में चला जाना ठीक है डिप्रेशन में चले जाना इतना आसान नहीं होता है बहुत दुविधा है बहुत ज्यादा जो है ना आप कह सकते हो कि बहुत बेकार हालत है सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंियन प्रिंसिपल एंड कॉल सट्टन ने कौन सी थियरी दी थी 1902 में क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था है ना और नेक्स्ट देख लेते हैं द जनरेटिव सेल ऑफ द दॉलिन ग्रेन डिवाइड पॉलन ग्रेन का दो सेल है एक जनरेटिव सेल छोटी सेल को जनरेटिव सेल कहते हैं और बड़ी सेल को क्या कहते हैं बड़ी सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं बड़ी सेल को वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बनाती है टू मेल गैमेट्स बनाती है है ना दो मेल गैमेट पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है पॉली एम्ब्रियो अक्रेंस ऑफ सिंगल एम्ब्रियो नहीं अक्रस नो अक्रंस ऑफ एम्ब्रियो नहीं अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर है तो इसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं तो यहाँ पे थर्ड ओनली हो जाएगा ओनली थर्ड हो जाएगा ठीक है पॉली एम्ब्रियोनी जिम्नोस्पम में ज्यादा कॉमन होता है एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म ठीक है आई डोंट अंडरस्टैंड कहाँ से क्या करूँ फिर सब कुछ हुआ था इस पेपर में नहीं नहीं आपको पता है मेरे से भी बहुत सारे स्टूडेंट ई एम आर एस और पीजीटी के बारे में पूछे थे तो हमने उनको बोला था कि आप अपना एचपीएससी मेन दे मेन्स दे लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछे थे हमने उनको एच क्योंकि सेम डे हुआ था ना तो हमने उनको एच पी देने का जो है राय दिया था मेरे को जो समझ में आया था क्योंकि हमने उनकी बेहतर प्रिपरेशन कराई थी अपने मॉडल पेपर से और अच्छा करके भी आए थे सभी लोग मैसेज किए थे पंद्रह क्वेश्चन में से साढ़े चौदह और हमने पेपर भी डिस्कस किया था उस दिन एचपीएससी मेन्स का याद है ना सभी को एचपीएससी मेन्स का पेपर भी हमने डिस्कस किया था कितना बेहतरीन सा पेपर था थोड़ा लेंदी तो था लेकिन शर्म आनी चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को जिनको एक पेपर कायदे से नहीं करा पाते स्टूडेंट की लाइफ से खिलवाड़ करते हैं और फेंकते हैं बड़ी बड़ी क्या ही बताए जितनी जोरों शोरों से तैयारियां जो चलती हैं आपके मंदिर मस्जिद और दुनिया भर की चीज़ों में उतनी जोरों शोरों से तैयारियां चलती ना स्टूडेंट के भविष्य के लिए ना तो ये देश ना कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता लेकिन यहाँ पे केवल फालतू की चीज़ों पर इतना ज्यादा ध्यान देना है इतना ज्यादा ध्यान देना है कि उसी पे पूरी दुनिया लगी हुई है क्या बोले अब जो देश का भविष्य है उस पर ध्यान ही नहीं देना है स्टूडेंट ऐसे मर रहे हैं घर से ताने सुन रहे हैं शादी नहीं हो रही है डिप्रेशन में जा रहे हैं है ना तीन साल से चार साल से आपके यूपी का एग्जाम नहीं हुआ है यूपी टी डी टी पी टी का शर्म ना आनी चाहिए गवर्नमेंट को ना लेकिन गवर्नमेंट को शर्म आएगी कहाँ से गवर्नमेंट को क्यों शर्म आएगी पढ़ाई को ज्यादा महत्व तो देना नहीं है ना भक्ति में लीन होना है ना सभी को भक्ति में लीन करवाना है टोटल डी एन ए कंटेंट इन वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को जीनोम कहा जाता है नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यूज ओनली फॉर थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट केवल और केवल मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज यूज ओनली फॉर थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट तो बायोस्फिर रिजर्व में बिना थ्रेटेंड जो है उसको भी रखा जाता है इन सी टू कंजर्वेशन नेशनल पार्क इन सी टू में आए एक्ससी टू कंजर्वेशन थ्रेटेंड में किसको थ्रेटेंड एनिमल्स और उसको क्या कहाँ रखा जाता है एक्सी टू ऑफ साइड कंजर्वेशन भी कर दिया जाता है क्योंकि बायोसफेयर रिजर्वेश बायोस्फेयर रिजर्व नेशनल पार्क ये सब इन सी टू है इन सी टू तो थ्रेटेंड को एक्ससी टू की बात करें घर वाले पैसे नहीं दे रहे आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बिल्कुल हम सबकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं और मुझे पता है ना मुझे पता है कि क्या बीतती है स्टूडेंट के ऊपर देंगे ये लोग हिसाब देंगे हिसाब कि आप एक तीन साल का एग्जामिनेशन आज नहीं करा पा रहे हो देंगे हिसाब ये शर्म आने वाली बात नहीं है स्टूडेंट फॉर्म फिल करता है उसके बाद कोचिंग वालों को पैसे दे के बैच पे बैच बैच पे बैच, पे बैच, पे बैच पे लेता है कि ताकि हमारी प्रिपरेशन चलती रहे टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज लेता रहता है है ना क्योंकि उसको ये लगता है कि कहीं हम पिछड़ ना जाए भाई उनकी भी क्या गलती है हम बैच पे बैच लॉन्च करते हैं वो बैच पे, बैच पे बैच खरीदना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कॉम्पटिशन हमारा इतना कम है और इतना ज्यादा है सीट्स इतनी कम है तो कहीं हम पीछे ना रह जाएं लेकिन गवर्नमेंट एकदम बिल्कुल कहते हैं कि जिसको एकदम शर्म नाम की चीज ही नहीं रह गई है जवाब देने को है ही नहीं किसी को द टर्म लिविंग लिविंग फॉसिल फॉसिल टू किसको कहा जाता है लिविंग फॉसिल like, like नहीं फॉसिल लिविंग एनिमल विच इज अबाउट टू बी फॉसिलाइज नहीं फॉसिल फॉर्म फ्रॉम लिविंग एनिमल गलत

कौन ग्रीन हाउस गैसेस का डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो डिसेंडिंग का मतलब सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिर मीथेन और फिर सी और फिर जो है एन तो आप कह देंगे ए बी सी डी है यहाँ पे ए बी सी डी है ए फिर बी फिर सी फिर डी एकदम सेम है क्लियर अगला सवाल देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एल्फा डाइवर्सिटी अल्फा डायवर्सिटी का मतलब सेम हैबिटेट के बीच में जो डाइवर्सिटी है द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम हैबिटेट और कम्युनिटी यही है अल्फा डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट शेयर द सेम गलत है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैज़ नो प्रेफरेंस फॉर शेयरिंग गलत है तो यहाँ पे ओनली वन हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी पढ़ाया आपको जेनेटिकल डाइवर्सिटी स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी पढ़ाया है तो आप ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द सेकेंडरी ओसाइट ओविलेटेड सेकेंडरी ओसाइट कहाँ से रिलीज होता है तो ग्राफियन फोलिकल से रिलीज होता है अगला सवाल देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडीज इफेक्ट द मोस्ट ड्यू टू द फ्लोराइड पोल्यूशन फ्लोराइड पोल्यूशन किसको अफेक्ट करता है टीथ को हमने फ्लोरोसिस बताया था आपको फ्लोराइड मैम जी ये पेपर पहले कराया था नहीं अभिषेक ये पेपर पहले नहीं कराया था अभी करा रहे हैं ये किसको अफेक्ट करता है टीथ को अफेक्ट करता है नेक्स्ट सिफिलिस इज कॉज बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम सिफिलिस किसके द्वारा कॉज होता है तो आपको पता है ट्रिपोनिमा पैलिडम आगे देख लेते हैं विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आर इन स्पेसिएसन स्पेसिएसन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट इथोलॉजिकल बिहेवियरल नहीं इकोलॉजिकल नहीं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन स्पेसिएसन इन स्पेसिएशन अभिषेक कुमार क्या ये हमने कराया क्या पेपर कभी आपको ऐसा लगता है अगर लगता है तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द देशर फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन माइनस नाइनटी वन माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन बार बार बताया है क्रायो क्रायोप्रजर्वेशन के लिए अगला देख लेते हैं द प्रोसेस दैट द स्पम अंडर गो इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट फॉर द फर्टिलाइजेशन इस्पम का फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या प्रोसेस होता है आपको पता है स्पम को एक्टिवेट किया जाता है तो उसमें कैपेसिटेशन होता है फीमेल के आप कह लो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पम का कैपेसिटेशन होता है तो स्पम का मॉडिफिकेशन जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है उसको के नाम से जाना है। अगला हैं टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं इसको वाटर हा कहते हैं इसको ब्लू डेविल कहते हैं वाटर हायासिंथ जलकुंभी के नाम से जानते हैं वाटर हाई कहते हैं ब्लू डेविल कहते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं नीलगिरी वाज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर हमने बताया भी है लिखाया भी है पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था 1986 में हुआ था ये हमने बायोस्फीयर रिजर्व में लिखाया है पहला नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा था हेले नेशनल पार्क जिसको जिम कार्बेट के नाम से भी जानते हैं वर्ल्ड का येलो स्टोन नेशनल पार्क ये सारी चीजें हमने आपको लिखाई है लिखाई है ना ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस बायोडाइवर्सिटी लॉस के चार रीजन आपको बताए थे जिसको एविल क्वार्टेड कहते हैं उसमें हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है ओवर एक्सप्लॉटेशन uh, है एलियन स्पीसीज इन्वेजन है को एक्सटिंक्शन है तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन भी है को एक्सटेंसन भी है बोथ वन एंड टू है नेक्स्ट देख लेते हैं इज प्रोड्यूस मेनली बाय द ल्यूटियम कार्पसल्यूटियम ल्यूटियम किसको प्रोड्यूस करता है तो प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग मोस्ट ऑफ टेक्स प्लेस फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है तो आपको पता है फेलोपियन ट्यूब के एम्पूला रीजन में होता है है ना नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज ड्यू टू द फिस् कंटामिनेशन विद मरकरी मरकरी से मिनिमाटा डिजीज होता है कैडमियम से कैडमियम से बताया है

Gestulation में तीनों का फॉर्मेशन हो जाता है बताइए फटाफट क्लियर है सभी को अगला सवाल किससे होता है? से बार-बार विच हॉर्मोन फ्रॉम द हाइपोथेलमस स्टलेट रिलीज ऑफ एफ एस एच फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एफ एस एच और एल एच कौन रिलीज करता है और ये आपको ये दोनों एन है गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन है और हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस से GnRH गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH स्टिमुलेट करता है GnRH नेक्स्ट सेल दैट रिलीज हिस्टामिन एंड अदर वैसोएक्टिव सब्सटेंस हिस्टामिन कौन रिलीज करता है तो हिस्टामिन और हिपेरिन मास्ट सेल रिलीज करता है नेक्स्ट व्हाट इज द प्रिंसिपल हेल्थ कंसर्न ऑफ ओजोन डिप्लीशन ओजोन डिप्लीशन से यूवी रेज आएगी और यूवी रेज आएगी तो कैंसर एंड अदर डैमेज टू द स्किन स्किन से हमने बताया था जीरो डर्मा पिगमेंटोसा हो सकता है जीरो डर्मा पिगमेंटोसा हो सकता है बताया था आपको ये एक टाइप का स्किन कैंसर है अगला देख लेते हैं हु एज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल देखो यही आपको बायोमोलिक्यूल मतलब जो सेल टॉपिक है उसमें पहले चैप्टर पे जी एन रामाचंद्रन के बारे में दिया है जिन्होंने प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर एनालाइज किया था तो उन्होंने कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर किया था जी एन रामाचंद्रन रामाचंद्रन प्लॉट आप लोग जानते हैं प्रोटीन के लिए होता है ये फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल मद्रास स्कूल के फाउंडर थे जी एन रामाचंद्रन ये बात आपके एन सी आर टी के पहले पेज में ही वहां पे लिखी हुई है हु डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्मिथ एंड आर्बर स्मिथ एंड नाथन ठीक अगला सवाल कंसीडर द ऑप्शन एंड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का कंपोनेंट कौन नहीं है कॉस साइट नहीं होता कॉस साइट फेजमिड में पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्रीशन ऑफ एड्रीनलिन हार्मोन कॉज नर्वसनेस एंड इरिटेबिलिटी एज एन इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बताइए नर्वसनेस और इरिटेबिलिटी किसकी वजह से होता है एड्रीनलिन सिक्रीट होता है और किस पोल्यूशन में होता है लैंड पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन एयर पोल्यूशन वाटर तो नॉइज पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन के दौरान जो आपको इरिटेशन होता है नर्वसनेस होती है वो किसकी वजह से होता है सिक्रीशन ऑफ एड्रीनलिन उस वक्त आपका एड्रीनलिन सिक्रीट होता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं विच पार्ट कनेक्ट फीटस टू तुमने कहा था मदर का जो ये मदर का प्लासेंटा ये जो फीटस है ये बच्चा है फीटस और प्लासेंटा को जोड़ने वाला बच्चे का अम्ब्लिकल कार्ड है ये प्लासेंटा है ठीक है तो अम्बलिकल कार्ड होता है अगला सवाल देखते हैं द टीवीएस जीन इज नोट प्ले विच ऑफ द प्रोसेस ये पहला ही क्वेश्चन ये उसमें क्वेश्चन था क्या कहते हैं जो अभी हमने डी ट्रिपल एस बी का ही सॉल्व कराया था क्या जो 2014 का क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था लिंब फॉर्मेशन के लिए तो ये क्वेश्चन रह गया है उसका रह गया है है ना ये पिछले पेपर का है इसीलिए एक क्वेश्चन ज्यादा हुआ है ओ हमें लगा एक, एक क्वेश्चन कैसे हुआ इसीलिए एक क्वेश्चन ज्यादा हुआ है अगला देख लेते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड कैन डिटरमाइन जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ एनर्जी तो ये किसका आ, क्या डिटरमाइन करता है द एनर्जी विज द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सो डिफरेंट एटमोसफियर द लेवल एट विच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म स्टैंड इन द फूड चेन लेवल एट विच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म द फूड चेन वो फूड चेन में किस लेवल पे है, है ना ये इकोलॉजिकल पिरामिड शो करता है सेल्स आर मोस्ट अफेक्टेड एस एड्स एड्स में कौन सेल अफेक्ट होता है टी हेल्पर सबको पता है टी हेल्पर अफेक्ट होता है एड्स में नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल एंड द स्मोलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन दैट इज माइको प्लाज्मा पीपीएलो बिना सेल वॉल के और सबसे स्मॉलेस्ट है एंड दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन नेक्स्ट एलर्जी एंड एनाफाइलेक्सिक एनाफाइलेक्टिक शॉक बताया था आपको मधुमक्खी के काट लेने से पेनेसिलिन के इंजेक्शन लगाने से ये सब आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक पढ़ाया था तो एनाफाइलेक्टिक शॉक हो या एलर्जी हो वो किसकी वजह से होता है आई जी ई की वजह से होता है आई जी ई इन एटीन थर्टी एट कौन कौन ने सेल थियरी दिया था तो स्लीडन एंड स्वान ने दिया था किन किन ने दिया था स्लीडन एंड स्वान ने दिया था अगर लिंकेज उस वक्त पता रहता तो मेंडल शायद इंडिपेंडेंट असॉटमेंट का लॉ नहीं दे पाते क्योंकि लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट है ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एन एंडेमिक स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज उसको कहते हैं जो बस केवल और केवल वन दैट हैज इंट्रोड्यूसड नेचर इन जस्ट वन एरिया जो बस केवल पर्टिकुलर किसी एक एरिया में पाया जाता है इसको एंडेमिक स्पीसीज के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट ऑफ ज्वाइन फॉरेस्ट मैनेजमेंट बार बार पढ़ाया है ज्वाइन फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980 में लॉन्च हुआ था ज्वाइन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एनसीआर में भी दिया है ठीक है एस्टेरियस एंड ऑफी यूरिया ये सब तो इकाइनो डरमेटा के मेंबर हैं स्टार हो गया ठीक है ब्रिटल स्टार हो गया तो ये सब किसके मेंबर हैं इकाइनो डरमेटा के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग बी कॉटन पीटी स्टैंड फॉर बेसिलस थुरिंजेंसिस ये तो सही है द स्ट्रेन कंटेन क्रिस्टल विच कंटेन टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन ये भी सही है तो भाई उसके पास क्राइजीन होता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है जो कि टॉक्सिक होता है तो क्या गलत पूछा है तो नीदर वन नॉर टू ये दोनों गलत नहीं है दोनों सही है क्या है दोनों सही है इन अ क्रोमोसोम देर आर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस व्हिच विच इज रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएशन रेप्लिकेशन, इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। व्हाट इज इट रेप्लिकेशन को स्टार्ट कहाँ से होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना ओराई से विच टेम्परेचर रेंज फॉर एंजाइम मोस्ट फंक्शनल हमने कहा था एंजाइम का मोस्ट फंक्शनल टेम्परेचर क्या होता है एनिमल में 30 से 40 डिग्री और प्लांट में 20 से 30 डिग्री तो 30 से 40 डिग्री हो गया या 35 से 40 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम के फंक्शन करने का इट का चार्ट बनाया है, pigment, toxin, drug, alkaloid, है न और इसके अलावा आपको बताया था पॉलीमेरिकल्टन जो की कौन के नाम एलिन ए है एन सी आर टी का जो चार्ट है एक सौ आठ पेज नंबर पर दिया हुआ है एनसीआर टी का चार्टे टॉक्सिन कौन है एब्रीन और रिसिन एब्रीन और रेसिन रेसिन कहाँ से मिलता है रेसिनस कम्युनिस्ट से रेसिनस कम्युनिस्ट क्या है अरंडी है है ना रेसिनस जिसको हम कैस्टर कहते हैं कैस्टर ठीक आगे देख लेते हैं विच इज द फर्स्ट विसरल आर्क विसरल आर्क मतलब फेरेंजियल आर्क एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो पहला फेरेंजियल आर्क बनता है वो मैंडिबुलर आर्क होता है ठीक है जो जॉ वगैरह को गिवराइज करता है नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलियंस क्या हम ये पेपर सॉल्व करा चुके हैं क्या मुझे क्यों ऐसा लग रहा है अच्छा एक बार आप लोग देखना जो हमने 2018 का पेपर सॉल्व कराया है या यही पेपर है क्या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है या हो सकता है मैंने सारा चीज़ पढ़ाया है और ऐसे सारे क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं रेजिलियंस रेजिस्टेंस सब पढ़ाया है हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा हो है ना डी ट्रिपल एस बी टू थाउजेंड एटीन पेपर रेजिलियंस और रेजिस्टेंट जो हमने आपको पढ़ाया है बताया है रेजिलियंस रेजिस्टेंट. बताइए कि किसका रेजिलियंस ज़्यादा होता है और किसका रेजिस्टेंट ज़्यादा होता है नहीं 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 ये नहीं कराया है नहीं 2018 वाला अलग है 2018 में भी हमने लगभग आपको जो है एक सौ क्वेश्चन के आसपास कराए थे 160 क्वेश्चन कराए थे वहाँ ठीक है ये नहीं कराया था मैं। नहीं 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 अभिषेक नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉल्व कराए आप बताइए लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलियंस हमने कहा था अगर कोई इकोसिस्टम डैमेज होके वो तुरंत अपने ओरिजिनल स्टेट में डेवलप हो जाए तो उसका स्टेबिलिटी कम है और रेजिलियंस ज्यादा है तो इको सिस्टम विच कैन बी ईजली डैमेज बट कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम यही तो है ना डी ऑप्शन सही हो जाएगा ना विच कैन नॉट बी ईजिली डैमेज बट कैन रिकवर वॉट एवर डैमेज इज कॉज आफ्टर सम टाइम इफ डैमेजिंग स्टेट टाइम विच कैन ईजिली डैमेज भी हो जाए है ना आराम से डैमेज भी जैसे ग्रास लैंड आप बताओ हमने ग्रासलैंड के बारे में बताया था कि नहीं बहुत अच्छे फॉरेस्ट और ग्रासलैंड बहुत अच्छे हाँ फॉरेस्ट और हमने कहा था ग्रासलैंड का रेजिस्टेंट कम है और रेजिलियंस ज्यादा है यही एग्जाम्पल बताया था देखिए एक्चुअली क्या लगता है कि जब चीजें पूरी पढ़ाई गई हैं और रेजिस्टेंट कम है रेजिलियंस ज्यादा है जबकि फॉरेस्ट का सब यही एग्जाम्पल पढ़ाया था फॉरेस्ट का रेजिस्टेंट ज्यादा है रेजिलियंस कम है रेजिलियंस कम है बताया था न येस वेरी गुड बहुत अच्छे ग्रास लैंड और फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दे के बताया था हमने कहा था देखो ग्रास लैंड अगर जल्दी डैमेज भी किया जा सकता है मतलब उसका रेजिलियस डेमे रेजिस्टेंस कम है रेजिस्टेंस कम है लेकिन वो डैमेज के बाद वो फिर से रिकवर हो जाएगा वो उसका रेजिलियंस ज्यादा है मतलब क्विकली यू कैन से अगेन कम इन टू ओरिजिनल स्टेट आ जाए तो उसको रेजिलियंस कहते हैं फॉरेस्ट का रेजिस्टेंस ज्यादा है आप उसको जल्दी डैमेज नहीं कर सकते और अगर आपने उसको डैमेज कर भी दिया तो उसका रेजिलियंस कम है वो जल्दी से फिर से कवर नहीं हो सकता ठीक बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे ये क्वेश्चन कराया था द प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन एक है और वो बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है तो दो प्रोटोजोआ में चेंज हो जाता है मतलब एक से दो सेल बन रही है माइटोसिस की तरह तो बता रहा है आफ्टर तो जनरेशन में चौसठ सातवीं जनरेशन में एक सौ अट्ठाइस और आठवीं जनरेशन में दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन ठीक नेक्स्ट हाउ मेनी चैम्बर प्रेजेंट इन द क्रोकोडाइल हर्ट फोर है ना नेक्स्ट द इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड लिंक्ड बाई मोनोसेक्राइड और मतलब मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड किस बॉन्ड से लिंक होते हैं ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक ओ नेक्स्ट कहाँ देखने मिलता है हार्डमानिया मतलब डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल पॉपुलेशन ग्रोथ है ना क्या कह रहा है इन अ सोसाइटी पार्ट सोसाइटी पैटर्न ऑफ एज पॉपुलेशन इज डायरेक्टली फॉर द काइंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बिकॉज different age group have different reproductive capability younger female have more offspring than the older the habit of the newer society lead to less the more the people are educated the less do they, have they want to reproduce in society pattern of age pop, age of population is directly responsible for the kind of population growth इसका क्या आंसर होना चाहिए यही होना चाहिए ना ए डिफरेंट एज ग्रुप डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज इसका आंसर हाँ ये मोनिका शर्मा इसका आंसर ए होना चाहिए 108 का एक बार देखते हैं इसको ठीक है देख लिया जाएगा अगला विच प्रोसेस यूज टू रिमूव यूरिया फ्रॉम द ब्लड यूरिया ब्लड से यूरिया कब हटाते हैं आप हीमोडायलिसिस यूरिमिया केस कहते हैं नेक्स्ट नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किडनी का है अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच मेलपीघिन टिब्यूल है ना अगला सवाल अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट आर विदाउट एनी एमनियॉन आर कॉल्ड एज एन एमनियोटा तो एन एमनियोटा में कौन आते हैं एन एमनियोटा में आपके फिशेज और एमफीबियन आ जाते हैं और एमनियोटा में आपके रेप्टाइल्स uh, बर्ड और मैमल आ जाते हैं तो so, फिशेज और एमफीबियन आ जाएंगे एन एमनियोटा में वेस्टर्न घाट आर नोन एज वेस्टर्न घाट नोन एज बेस्ट रिजर्व नेशनल पार्क नहीं बेस्ट वाइल्ड लाइफ हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया हॉट स्पॉट हॉट हॉट स्पॉट है ना वेस्टर्न घाट एस्टर्न हिमालय इंडो वर्मा ये सब इंडिया के हॉटस्पॉट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस जॉन्डिस में लीवर अफेक्ट होता है विच वेल्ब इज प्रेजेंट इन द राइट आर्टरी जंक्शन ऑफ राइट आर्टरी एंड वेंट्रिकल इन ह्यूमन हर्ट राइट ओरटा कह लिया राइट ओरटा और वेंट्रिकल इन द ह्यूमन हर्ट है ना पूछ रहा है राइट आर्कल होगा ना राइट आर्कल एंड वेंट्रिकल टू ट्राइक स्पीड वेल्ब

हेडक्वार्टर कहाँ है स्विट्जरलैंड ठीक बताया था आपको नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिटोरल जोन लिटोरल लिटोरल जोन किसको कहा जाता है पॉन्ड बनाया था किनारे के जोन को लिटोरल ओपन वाटर बॉडी को लिमनेटिक है ना ये लिटोरल ये लिमनेटिक ये बेंथिक ये प्रोफंडल है ना द जोन एट द एज ऑफ द लेक ठीक एज ऑफ द लेक द जोन इन द मिडिल नहीं भाई जोन एट द बोथ एंड नहीं तो आप कहेंगे एज किनारे पे जो जोन जो जो प्रेजेंट है वो लिटोरल जोन है किनारे पे जो, जो जोन ऐसा कभी आपने देखा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए अब

कहते हैं मिजोजोइक को कहा जाता है नेक्स्ट देखते हैं विच टाइप ऑफ जॉ अटैचमेंट फाउंड इन द मैमल जॉ सस्पेंशन बहुत बार पढ़ाया है जॉ सस्पेंशन बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया है मैमल में जो जॉ सस्पेंशन होता है क्रैनियोस्टाइलिक कंडीशन ये ऑटोस्टाइलिक का ही एक ऑटोस्टाइलिक का ही मॉडिफिकेशन है लेकिन सारे मैमल में क्रैनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन पाया जाता है ठीक है अगला देखते हैं द लेटरल वेंट्रिकल रिमेन इन द कम्युनिकेशन विद द थर्ड वेंट्रिकल वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट होता है सेरिब्रम में फर्स्ट और सेकेंड सेरिब्रल हेमिसफियर में प्रेजेंट होता है इसको लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं है ना या पैरासील कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल या पैरासील कहते हैं और वो थर्ड वेंट्रिकल डायोसील से डायोसील को थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं किससे कम्युनिकेट करता है फोरामेन ऑफ मोनरो किससे कम्युनिकेट करता है फोरा मेन ऑफ मोनरो ये डायग्राम कितनी बार बना के बताया है है ना थर्ड वेंट्रिकल को डायोसील कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल है मेटासील कहते हैं जो कि ऑबलोंगेटा में होता है तो फोरामेन ऑफ मोनरो बहुत अच्छे लेटरल वेंट्रिकल को पैरासील कहा जाता है जो सेरिब्रम में होता है थर्ड वेंट्रिकल को लेटरल वेंट्रिकल में फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जाते हैं जो कि सेरिब्रम में होता है थर्ड वेंट्रिकल को डायोसील कहते हैं जो डायनसेफ्लॉन में होता है मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल नहीं होता है

दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है जेकॉपसन आर्गन कहाँ पाया जाता है स्मेल के लिए है स्नेक में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम टॉन्सिल है एडि, एडिनॉइड्स है स्प्लीन है स्टमक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं होता नेक्स्ट विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द रोडोफाइसी रोडोफाइसी मतलब रेड एलगी रेड एलगी में क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट होता है ठीक है नेक्स्ट इफ़ स्पीसी एस स्पीसीज रिचनेस ए एरिया जेड स्लोप लाइन तो आपको बताना है लॉगरिथम स्केल पे देखो ऐसे हमने बताया था एस इज्कुल टू सी ए जेड ये नॉर्मल है लॉग स्केल पे लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए बार बार सॉल्व कराते हैं लॉगरिथम स्केल पे तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी अगला सवाल इन केस ऑफ एम्बाइस्टोमा दिन ऑफ अटैचमेंट ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी इन लार्वा लार्वा में सेक्सुअल को क्या कहते हैं नियोटे कहते हैं लार्वा में सेक्सुअल मेच्योरिटी को क्या कहते हैं नियोटेनी के नाम से जानते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एज लिविंग फॉसल टूएटेरा टूएटेरा टर्टल नहीं टा टूएटरा स्फेनोडॉन स्फेनोडॉन इसको थर्ड आई प्रेजेंट होती है बार बार बताया है थर्ड आई इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है ऑल सिंगल सेल्ड यूकेरियोट को प्रोटेस्टा में रखते हैं प्रोटेस्टा को कहते हैं यूनीसेलर यूकेरियोड यूनीलर यूकेरियोट जितने भी सिंगल सेल्ड यूकेरियोट हैं उसको प्रोटेस्टा में रखा जाता है आउटर सबडर्मल फैट एक्वेटिक मैमल में ब्लबर पाया जाता है एक्वेटिक मैमल में जो आउटर सबडर्मल फैट होता है उसको ब्लबर कहा जाता है विच टाइप किडनी फाउंड इन द फ्रॉग फ्रॉग में मीजोनेफ्रिक किडनी पाया जाता है टेडपोल में प्रोनेफ्रिक होता है

टी फोर को थायरोक्सिन कहा जाता है ठीक है टी फोर को थायरोक्सिन कहा जाता है द टेल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल टेल पार्ट फाइटोल टेल कहते हैं कितनी बार ये स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का बताया है टेट्रापाइरोल जो हमने टेट्रापाइरोल रिंग और टेल क्या था टेट्रा आइसोपिन टेट्रा आइसोप्रेनोइड टेल बहुत बार बताया है टेल में कितने कार्बन है बीस कार्बन हेड में कितने कार्बन है हेड में थर्टी कार्बन टोटल फिफ्टी फाइव कार्बन होता है टेल को फाइटॉल टेल कहते हैं जल्दी से बता दीजिए टेल किस पायरॉल रिंग से अटैच होता है तो टेल फोर्थ पायरोल रिंग से अटैच होता है टेल फोर्थ पायरॉल रिंग से अटैच होता है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी में किस पायरॉल रिंग पे डिफरेंस होता है सेकेंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पे डिफरेंस होता है बहुत अच्छे हमें पता है मेरे हर स्टूडेंट यहाँ पे ये यह जवाब दे लेंगे ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ विच टिश्यू हमारे हार्ट में न्यूरल टिश्यू भी होता है मस्कुलर टिश्यू भी होता है कनेक्टिव टिश्यू इपिथिल टिश्यू सारे तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट इज नोन एज बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स सेल ऑफ द स्पम दैट इज सर्टोली सेल सस्टेनक्यूलर सेल भी कहा जाता है सस्टेनक्यूलर सेल भी कहा जाता है या नर्स सेल कहा जाता है नेक्स्ट ब्लड इज अ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है सबसे फास्ट सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू भी है ब्लड सबसे सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड आपका एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी है टेस्टोस्टेरोन एक क्या है स्टेरॉइड हार्मोन है टेस्टोस्ट्रॉन एक स्टेरॉइड विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन द कैट एंड डॉग कैट एंड डॉग क्या है कार्निवोर्स हैं कार्निवोर्स में जोनरी प्लासेंटा पाया जाता है नेक्स्ट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवम पेरिस्टोमियम नहीं प्रोस्टोमियम प्रोस्टोमियम फर्स्ट से अच्छा फर्स्ट सेगमेंट पूछा है ना तो पेरिस्टोमियम प्रोस्टोमियम तो फर्स्ट uh, सेगमेंट के ऊपर होता है नेक्स्ट अर्थवम बियर अ डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू क्लाइटेलम क्लाइटेलम चौदह पंद्रह सोलह में पाया जाता है क्लाइटेलम को तो सिंगुलम भी कहा जाता है Clitellum को भी कहा जाता है तो चौदह पंद्रह सोलह द कंपाउंड लिपिड दैट फॉर्म द पिगमेंट ऑफ द एनिमल एंड प्लांट बस प्लांट में होता है जेंथोफिल बस प्लांट में होता है क्लोरोफिल बस प्लांट में होता है कैरेटनॉइड एनिमल में भी होता है टर्पीन्स डेरिवेटिव ठीक है और प्लांट में भी होता है तो ये कैरेटनॉइड जो है वो एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है नेक्स्ट देख लेते हैं द रेस्परेटरी ऑर्गन ऑफ एडल्ट फ्रॉग फ्रॉग में एडल्ट फ्रॉग में लंग होता है स्किन होता है हमने कहा था बक्ो फेर रेस्परेशन भी होता है फ्रॉग में तो स्किन भी है और लंग्स भी है ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑर्गन नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आर बी सी स्प्लीन को कहा जाता है आर बी सी का कब्रिस्तान विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट कैरेक्टर रोलिंग टंग फोल्डिंग टंग अटैच्ड ईयर लोब ये तो रेसेसिव कैरेक्टर है फिंगर विद नो एयर रेसेसिव कैरेक्टर है रोलिंग टंग टंग रोलिंग जो टंग रोल होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है एक्जो स्केलेटन ऑफ आर्थोपोडा काइटीन का बना है नेग का पॉलीमर होता है काइटीन किसका पॉलीमर होता है नेग का पॉलीमर होता है विच हार्मोन यूज्ड इन प्रेगनेंसी टेस्ट एचसीजी को यूज किया जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट अच्छा चलो प्रेगनेंसी टेस्ट को क्या कहा जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट को क्या कहा जाता है एक ब्रेक लेते हैं और बताते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सभी लोग बताइए हमने प्रेगनेंसी टेस्ट को बताया भी था प्रेगनेंसी टेस्ट को क्या कहा जाता है देखते हैं कितने लोग बता लेते हैं जल्दी से बताइएगा विच ऑफ द द फॉलोइंग इज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वन रेशियो टू रेशियो वन ठीक है ई टोकोफेरॉल e, कहते हैं या इसी को एंटी स्टर्लिटी विटामिन कहते हैं एंटी स्टरलिटी वाइटमिन वेरी गुड तसवन सारी ग्रेविन डेक्स टेस्ट कहा जाता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्या कहा जाता है ग्रेविन डेक्स टेस्ट ग्रेविन डेक्स टेस्ट बहुत अच्छे बहुत अच्छे मतलब मुझे खुशी है कि हमने इतने दिन का पढ़ाया आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेकिन आपने बता लिया बहुत अच्छा है चलिए ऐसे होनी चाहिए तैयारी विटामिन ई e, कोफेरॉल या फिर इसी को एंटी स्टरलिटी विटामिन कहते हैं एंटी स्टरलिटी विटामिन या इसी को ब्यूटी विटामिन भी के, के नाम से जाना जाता है ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है अगला सवाल व्हिच ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड एबंडेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑन अर्थ बताया है सेलोज सबसे कॉमन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो अर्थ पे पाया जाता है ठीक है ऑर्गेनिक सब्सटेंस नेक्स्ट विच पिगमेंट प्रेजेंट इन द टोमैटो लाइकोपिन लाइकोपिन पाया जाता है टोमैटो में बहुत बार क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज प्रपोज द म्यूटेशन थियरी डी ब्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज पे दिया था इवनिंग प्रिमरोज इवनिंग प्रिमरोज को क्या कहते हैं ऑयनेथेरा लेमार किया ना है ना नेक्स्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमिट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज सेम साइज के हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स आर नॉन फ्लैजलेटेड नॉन मोटाइल जैसे कि स्पाइरोगैरा में सच रिप्रोडक्शन सेम साइज के हैं आइसोगेमस क्या तो आपको पता है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो पढ़ाया भी है स्पाइरोगैरा में नॉन फ्लैजिलेटेड होती

मतलब किसी क्रोमोसोम पे जहाँ पे जीन पाया जाता है उसको लोकस कहा जाता है आगे विच वन इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन कॉकिक्स ह्यूमन का वेस्टिजियल ऑर्गन है क्या है कॉकिक्स विच एंटीबॉडी पास फ्रॉम मदर टू फीटस आई जी जी आई जी जी प्लस से क्रॉस होता है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज इन द प्रोटोजोआ लाइक यूगलिनिया तो फ्लैजर मूवमेंट जो <coughs> स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ मेंटेनेंस ऑफ वाटर कैनाल इन द कैनल सिस्टम उसमें फ्लेजलेटेड सेल्स होती कोयनोसाइड ठीक है प्रोटोजोवा में मूवमेंट यूगलिना में मूवमेंट फ्लेजलर मूवमेंट इस्पम इस्पॉम भी जो है वो फ्लेजिला से मूव करता है यूगलिना भी फ्लेजिला से मूव करता है स्पंजस के कैनाल सिस्टम में भी फ्लेजलेटेड कॉलर सेल्स पाई जाती हैं कोयनोसाइट तो ये सब कैसा मूवमेंट है फ्लेजलर मूवमेंट फ्रिक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को हर्ट में डिनोट करते हैं सबको पता होगा हु इज द फाउंडर ऑफ फादर मॉडर्न पेलियंटोलॉजी क्यूवियर थे पेलियंटोलॉजी के फादर आर्क्योपटेरिक्स बर्ड और रेप्टाइल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्स लिंक डिसऑर्डर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है कलर ब्लाइंडनेस है हिमोफिलिया है थैलेसीमिया ऑटोसुमल रेसेसिव है थैलेसीमिया ऑटोसुमल रेसेसिव है तो थैलेसीमिया हो जाएगा विच पोलूटेंट रिलीज फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर क्लोरोफ्लोरोबन ठीक है एसी वगैरह से क्लोरोफ्लोरोबन डू नॉट रिडक्शन डिवीजन, दे प्रोड्यूस अ मल्टीसोलर बॉडी अगर जाइगोट जो है रिडक्शन डिवीजन ना करे और मल्टीसोलर बॉडी बना ले तो इसको हम इस्पोर फाइट कहते हैं ठीक है उसके बाद नंबर ऑफ रेट्रीस प्रेजेंट इन पी पिजन पिजन में कितने रेट्रीस प्रेजेंट होते देखते हैं ये सवाल कितने लोग बताते हैं देखते हैं ये सवाल कितने लोग बताते हैं पिजन में रेट्रीसिस देखते हैं कितना याद है आपको पिजन में चार तरीके के फेदर बताए थे क्विल फेदर ठीक है कंटूर फेदर फ्लीमोफ्लूल्स और फिलोपलूम्स और डाउन फेदर रेट्रीजस कितने हैं रेट्रीस कितने हैं 25 24 25 ओ नो भाई वो रेमाइजेस हैं क्वेल फेदर हमने कहा था क्वेल फेदर क्वेल फेदर जो है जो विंग्स पे पाए जाते हैं विंग्स पे उसको रेमाइजेस कहते हैं रेमाइजेस और जो टेल पे पाए जाते हैं उसको रेट्रीसेस कहते हैं तो ये बस और बस बारह होता है कितना होता है बारह पेयर नहीं बस बारह बारह सिंगल बारह पेयर कहाँ है जो विंग्स पे पाए जाते हैं उनको रेमाइज कहते हैं जो टेल पे पाए जाते हैं उनको रेट्रीस कहते हैं जो टेल पे पाए जाते हैं उनको रेट्रीस कहते हैं द न्यूट इनरेचमेंट ऑफ वाटर बॉडी बॉडी एजिंग ऑफ लेक सीधी सी बात है यूट्रोफिकेशन ठीक नेक्स्ट विच प्रेजेंट द मॉडर्न हॉर्स रिप्रेजेंट इक्व इक्वस मॉडर्न हॉर्स है अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेनोमिन वे आर द लिविंग डिफरेंसिएटेड सेल ऑलरेडी जैसे प्राइमरी मेरिस्टम है फिर प्राइमरी परमानेंट तो ये डिफरेंशिएटेड सेल होती है दैट बाई नाउ हैव लास्ट द कैप्सिटी डिवाइड एंड अगेन द कैप्सिटी ऑफ डिविजन फिर से ये डिविजन की कैप्सिटी को रिगेन कर लें सेकेंड्री मेरिस्टम बना लें तो इसको हम डी डिफरेंसीएशन कहते हैं और सेकेंडरी मेरिस्टम फिर सेकेंड्री परमानेंट बना लें इसको रीडिफरेंट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन जब ऑलरेडी डिफ्रेंसिएटेड जो डिफ्रेंसिएटेड सेल है फिर से मेरे स्टम बन जाए उसको डी डिडिफ्रेंसिएशन कहते हैं उसको डी डिडिफ्रेंसियन मायोटोम मायोटोम आपने देखा था अच्छे से आपको याद होगा इस स्कोलियोडॉन आपने समझाया गया डॉग फेस तो ये मायोटोम्स मायोटोम्स कहाँ प्रेजेंट है फिशेस में प्रेजेंट है मायोटोम myotome, 62 मायोटोम्स आपको पढ़ाया था नेक्स्ट माइकोबायोंट इज द पार्ट ऑफ लाइकेन माइकोबायोंट पार्ट ऑफ क्या है माइकोबायोंट फनजाई पार्ट है ठीक आइको बाय है तो एक सौ इक्यासी मतलब एक सौ अस्सी क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया था तो ये रहा आपका डी ट्रिपल एस बी कितना मज़ेदार पेपर है और आप लोग डर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी देने से डर रहे हैं है ना बार बार आपसे कह रहे हैं दे दो भाई दे दो ठीक है ना कंपटीशन है तो है टोटल सत्ताईस सीट तो है ना कम से कम सत्ताईस सीट है दे दो है ना ठीक है और अच्छा पेपर रहा और हमने जानबूझ के थोड़ा फास्ट कराया ताकि आपको भी उसमें क्या ही वो करा सकते हैं ना तो कैसा लगा पेपर जल्दी से बता दीजिए पेपर कैसा लगा और मज़ेदार और जो लोग अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किए हैं अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए जाए तो आप सुप्रीम बैच ले लीजिए ओल्ड सुप्रीम या तो रैंकर्स बैच ले लीजिए देखिए रैंकर्स बैच भी आप लेके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं आप मेरा कोई भी बैच ले, ले लेंगे आपको एनसीईआरटी अलग से परचेज़ करने की ज़्यादा जरूरत है ही नहीं है ना वो अलग बात होती है कि लोग साथ में पढ़ने के लिए ले लेते हैं आप कोई भी बैच ले लीजिए कुछ भी दिक्कत नहीं है हंड्रेड परसेंट क्लियर मैम जी आर पी एस सी पी जी टी दो हज़ार बाईस का पेपर भेजा था अगर आपको मिला हो प्लीज़ तो उसे भी करा दे धर्मराज सिंह देख लेंगे एक बार वापस भेज दीजिएगा आपने अगर भेजा है तो एक बार वापस भेज के बोल दीजिएगा कि मैम को बता दीजिए देखिए एक्चुअली मेरे पास समय की बहुत कमी है समय की कमी इसलिए है कि जो मेरा एन सी आर टी टू पॉइंट ओ बैच चल रहा है इसमें हमने बहुत तेज़ी से सिलेबस मुझे कवर करना है और आपको पता है कि हम चाह के भी चीज़ों को कम वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं बस हम एन की लाइन पढ़ा दें आगे निकल जाए तो हम उसमें क्या कर रहे हैं कि तो उसमें भी हम डिटेल ही एक तरीके से पढ़ा रहे हैं और हमारे पास समय की बहुत कमी है तो इसलिए हम थोड़ा सा उस उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे ये जो आपका एन सी आर टी बायो बेस टू पॉइंट ओ है लिख के भी पढ़ा रहे हैं तो शाम को ये क्लास रहती है बाकी बीच बीच में आप लोगों की प्रैक्टिस कराते रहते हैं बीच बीच में जो पेपर वगैरह आप लोग भेज देते हैं वो कराते रहते हैं और इसके बाद अगर बात करें कि दूसरी चीज़ अगर आपसे बात करें क्या नाम है इसका सुबह की बैच चली रही है है ना तो बहुत सारा वर्कलोड तो है हम कोशिश करेंगे कि अगर टाइम मिलेगा तो करा देंगे अमूल्य कुमार बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए अमूल्य कुमार जी बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज ले ली ठीक अमूल्य कुमार जी बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज ले ली अभी खाली हुए हैं मतलब शाम को बायो बैच चला था एनसीआर बैच जैसे लगभग पौने सात बच्चे खाली हुए हैं तो थोड़ा जल्दी छोड़ दिया था कि आज इसको करा दें इसको भी हमने सोचा दो पार्ट में क्या ही कराएं एक जगह मिल जाए सारे स्टूडेंट को एक क्वेश्चन था मुझे पता था हम करा लेंगे इसको एक डेढ़ घंटे के बियाली सिंह गुड इवनिंग मैं ओल्ड सुप्रीम बैच के स्टूडेंट चेंज बोर्ड ग्रेट इवोल्यूशन थैंक यू थैंक यू सो मच पियाली सिंह जी और शुरभी शुक्ला जी पढ़ाएंगे तो बिल्कुल शेयर करेंगे बिल्कुल शेयर करेंगे अब आपको प्लांट किंगडम जल्दी स्टार्ट होने वाला है न्यू सुप्रीम बैच में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम भी शेयर किया जाएगा आपको अगेन और एनिमल किंगडम भी शेयर किया जाएगा ओल्ड सुप्रीम वालों से ठीक वन फोर्टी थ्री वन फोर्टी थ्री में क्या दिक्कत है तो को आलस भी नहीं आता है थोड़ा देते हैं हमें वन फोर्टी थ्री मतलब जानते हैं कहां जाना पड़ेगा अभी इन लोगों को कह दो कि कंबल से निकल के एक गिलास पानी दे दो तो नहीं निकलेंगे ठंड लग रही है और हमें वहाँ से 143 दौड़ा दिया ह्यूमन हर्ट कंसिस्ट ऑफ विच टिश्यू भाई ह्यूमन हार्ट में मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू तो है कोई दिक्कत एपिथीलियल टिश्यू नहीं है हर्ट की जो वॉल होती है उसमें सिंपल एस्कोआमा सेपीथिलियम पाया जाता है पाया जाता है कि नहीं हर्ट की इनर वॉल में तो सिंपल एस्कोआमा सेपिथिलियम भी है कनेक्टिव टिश्यू भी है ब्लड है मतलब ब्लड तो कनेक्टिव टिश्यू है ही मस्कुलर टिश्यू तो है ही वेगस नर्व का सप्लाई नहीं होता ऐसे नोड को वेगस नर्व का सप्लाई नहीं होता विच टिश्यू पूछ रहा है हार्ट कंसिस्ट ऑफ विच टिश्यू हार्ट में चारों तरीके के टिश्यू है हार्ट में चारों तरीके टिश्यू चारो नहीं है भाई ऐसे नोड को बेगर सप्लाई होता है कि नहीं होता है नहीं होता होता है मसल्स तो है ही कार्डियक मसल ब्लड तो है ही कनेक्टिव टिश्यू सिंपल स्क्वामस एपिथिलियम तो है ही फिर क्या ही दिक्कत है ये बताओ मैम एन सी आर टी वाले बैच में न्यू सुप्रीम से अलग टॉपिक करवा दो प्लीज़ क्या एन सी आर टी वाले बैच में न्यू सुप्रीम से अलग टॉपिक करवा दो मतलब अच्छा आपके कहने का मतलब सिया भाटी जी ये है कि जो न्यू सुप्रीम में पढ़ा दिया गया है वो पहले एन सी आर टी में ना पढ़ा के उसको देखो मेरा पढ़ाने का सीक्वेंस एक होता है हम ऐसा भी नहीं कर पाते बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एक बैच चल रहा होता है फिर दूसरा शुरू कर देते हैं और दोनों को साथ में लेके चल लेते हैं है ना एक बैच बीच में चला हुआ है तब तक वहीं से दूसरा स्टार्ट कर देते हैं लेकिन हम हर बैच को सिक्वेंस में पढ़ाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स से या सेल्स से शुरू करते हैं और हम सिक्वेंस में ही पढ़ा पाते हैं बीच से नहीं पढ़ा पाएंगे मेरे पढ़ाने का ट्रेंड अलग है हर स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए ट्रेंड समझ में आना चाहिए तभी वो कैप्चर कर पा पाएगा ठीक है बिल्कुल डी ट्रिपल बायोकेमिस्ट्री विद बी एड हाँ बिल्कुल संजय खात्री जी बिल्कुल क्योंकि मेरा भी एमएससी बायो अरे बायो केम आपकी कोई भी तो लाइफ साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए लाइफ साइंस का कोई भी ब्रांच होना चाहिए डी ट्रिपल एस वी के लिए डी ट्रिपल एस वी के लिए लाइफ साइंस का कोई भी ब्रांच होना चाहिए अलिज़बा खान मैम एस्टेट के लिए फाइलम एनसीईआरटी बेस्ड करें या डिटेल जैसा आपने सुप्रीम बैच में कराया है कर लो यार कितना दिक्कत है कितना दिक्कत है थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब फाइलम में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कर लो मैम मुझे सी एस आई नेट की प्रिपरेशन करनी है कौन सा बैच लेना नहीं सी एस आई नेट का कोई बैच नहीं है सी एस आई नेट का कोई बैच नहीं और अगर आपको बेसिक्स पढ़ने हैं तो आप न्यू या ओल्ड सुप्रीम बैच ले लीजिए काफी मदद करेगा आप अशमा पटेल देखिए कंप्लीट सी एस आर की प्रिपरेशन तो नहीं हो पाएगी लेकिन इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर द सी एस आर नेट एग्जामिनेशन तो आप यहाँ से बैच ले सकते हैं बेसिक्स के लिए ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ बैच पढ़ के और सी एस आर भी पढ़ते हैं और उनका सी एस आर एक बार में क्लियर हो जाता है उसका रीज़न यही है कि हमने आपको कहा भी है कि ये आपको अजीब लगे सी एस आर की फीस आप बीस हज़ार चालीस हज़ार देने जाते हो ये बैच दो तीन हज़ार चार हज़ार का है इसको पढ़ने से आपको प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि सी एस आर में आपको बेसिक्स नहीं बताते यहाँ पे बेसिक्स बताया जाता है जो आपको बहुत हेल्प करता है आगे नहीं रिया मलिक मेरा कोई भी बैच आपने किसी ने रिया मलिक रिया मलिक किसी ने भी कोई भी बैच लिया हो जिस सीक्वेंस में हमने उस पूरे बैच को पढ़ाया है उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है टॉपिक वन टॉपिक टू टॉपिक थ्री टॉपिक फोर जैसे भी हमने आपको पढ़ाया है आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना है ये नहीं कि एक टॉपिक वन पढ़ लिया फिर टॉपिक बीसवा पढ़ने कूद के चले गए नहीं समझ में आएगा टॉपिक वन से स्टार्ट करिए और जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ाया है आपको आराम से फोल्डर बना हुआ दिया है भाई इतनी बार आप लोगों को बताया गया है कि आपके होल्डर्स पड़े हुए हैं और जब आपके होल्डर्स बने होते हैं तो आप आराम से वहां पे जैसे मान लीजिए ये आपका ये आपका जस्ट सपोज uh, आपको बता रहे हैं इसको कोई भी बैच है आपका सपोज कर लो कि आपका ये ओल्ड सुप्रीम बैच है ना जैसे आप ओल्ड सुप्रीम बैच की बात कर रहे हैं ओल्ड सुप्रीम बैच है ओल्ड सुप्रीम बैच में जाइए आप तो कंटेंट में जाइए कंटेंट में जाने के बाद जैसे हमने टॉपिक वाइज सिलेबस प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी दिया है टॉपिक वन बायो है टॉपिक टू सेल है टॉपिक थ्री सेल साइकिल है टॉपिक फोर माइक्रोबायोलॉजी है फाइव फंजाई है फिर एलगी है फिर लाइकेन है ब्रायो है टेरिडो है जिम्नो है बायो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है बाय फोटोसिंथेसिस है सेलर रेस्परेशन मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जेनेटिक्स है एनिमल किंगडम है मॉलिकुलर बायोलॉजी है और इसके बाद जो है देखो जेनेटिक्स आपका अठारहवां टॉपिक है पहले एनिमल किंगडम है फिर जेनेटिक्स है फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी है बायोटेक है वोल्यूशन है बॉडी फ्लूड है डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्परेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम मसल स्केलेटल सिस्टम नर्वस सिस्टम सेंस ऑर्गन एंडोक्राइन ह्यूमन रिप्रोडक्शन इकोलॉजी इन्वायरमेंट प्लांट एनाटमी कारडेटा मिनट हाँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एनिमल टिश्यू एनिमल बिहेवियर रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्लांट मार्फोलॉजी प्लांट फैमिली इकोनॉमिक बॉटनी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी प्लांट एक्सोनॉमी एनिमल एम्ब्रियोलॉजी तो ये सब है लगभग चौवालीस टॉपिक है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है जिस सिक्वेंस में आपको दिया गया है बिहार एस्टेट टेस्ट सीरीज स्टार्ट करा दो मैम प्रियंका पटेल ये जिसको भी बिहार एस्टेट टेस्ट सीरीज लेना है वो ये हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए नथिंग एल्स क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि बिहार एस्टेट बीपीएससी टेस्ट सीरीज चालू कराएंगे वो बस टेस्ट चलता रहेगा और उसको हम जो है बाद में बीपीएससी का एग्जाम अगस्त में है तो उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे बिहार एस्टेट के लिए अपने पास टाइम नहीं है आप जो लोग बिहार एस्टेट का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो बिल्कुल आप ले सकते हैं ये हमारा टेस्ट सीरीज जल्दी बताइए क्रिस्टल क्लियर है सभी को चलें फिर चलिए मिलते हैं किसी अगली क्लास में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी को बाय बाय गुड नाइट और आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए कोई भी बैच लीजिए उसको सीक्वेंसियल तरीके से पढ़िए बीच में से ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा करके छोड़ देना बहुत आपको परेशान कर सकता है तो सीक्वेंशियल मैनर में पढ़ाई करिए सीक्वेंशियल तरीके से पढ़िए और फुल डिटेल नॉलेज के साथ पढ़िए हर एग्ज़ाम सिंपल लगने संजय खात्री थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए कल कॉल करिए दोपहर में ट्रिपल एट सेवन वन नाइन सेवन टू नाइन वन ठीक है एक नंबर दे रहे हैं नंबर दे दे रहे हैं आप इस नंबर पे कल दोपहर में कॉल करिएगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी ट्रिपल एट सेवन वन नाइन सेवन टू नाइन वन ठीक है देखिए उसमें लाइफ साइंस ब्रांच दिया है कहीं लाइफ साइंस ब्रांच दिया है अगर लाइफ साइंस ब्रांच दिया है तो आप देख लीजिए लाइफ साइंस डाल दीजिए चलिए ठीक है दीपिका यादव हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट कोई बैच और लेने की जरूरत नहीं है मैम आपका के वी एस का बैच लिया हुआ है डी ट्रीपल हंड्रेड परसेंट इनफ है बस वही पड़ी है और कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है ठीक है देखो भाई हम बैच इसलिए स्टार्ट करते हैं कि जो लोग नहीं ले पाए हैं बहुत लोगों को नया बैच लेना पड़ता है बहुत लोगों को नया बैच चाहिए इसलिए स्टार्ट करते हैं इसलिए थोड़े स्टार्ट करते हैं कि आप बैच पे बैच लेते जाओ आपके पास कोई एक बैच है पढ़ो आराम से मेरा किसी भी बैच किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सफिशियंट है चाहे वो क्रैश कोर्स बैच ही क्यों ना हो वो मोर देन सफिशियंट है आपके एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आई विल रिकमेंड यू कि जो बैच आपके पास है उससे बेहतर तरीके से पढ़िए बस टेस्ट सीरीज लेने की कोशिश करेगा क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपकी एनालिसिस हो जाती है नो नीड टू टेक एनी अदर बैचेस ठीक है ना ज्यादातर ज्यादा बैच ले लेके उसको इकट्ठा करके कोई मतलब नहीं ठीक है चलिए ओके ऑल द बेस्ट गुड नाइट सभी को मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए बाय बाय